जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 600 के पार हुआ। वहीं सोमवार को संक्रमण का दूसरा सबसे बड़ा मामला सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी, शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी सहित कुल 61 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 655 हो चुका है, जबकि अब तक 2 पुरुष और 1 महिला की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। वहीं जिले के विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कुल 10 मरीजों को इलाज के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें घर भेज दिया गया, जिसके बाद जिले में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 403 हो चुकी है। वहीं जिले में सोमवार तक कुल 249 एक्टिव मरीज हैं। सोमवार को पॉजिटिव पाए गए 61 मरीजों में अधिकांश मरीज मुंगेर शहर और जमालपुर के निवासी हैं। दरअसल जिस तरह जिले में एक सप्ताह से कोरोना पांव पसार रहा है और संक्रमण का दायरा शहर के विभिन्न मोहल्ले तक पहुँच चुका है, अब शहरी इलाके के लोग को भय सताने लगा है। वहीं जिला अधिकारी राजेश मीणा ने कोरोना मरीज की संख्या को देखते हुए जहां 16 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, तो वहीं जिले में 50 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। वहीं शहरवासी का कहना है, इस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बावजूद भी लोग इधर उधर जो है घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पालन नहीं कर पा रहा है और दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। मुंगेर के अंदर चलता फिरता लोग जो है लाश बन करके जो है घूम रहा है, मौत बन करके घूम रहा है, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद शहरों में घूम रहे हैं, बाजार में सब्जी खरीद रहा है, दुकानदारी कर रहा है, इन तमाम चीज़ों पर लगाम, कहीं पुलिस प्रशासन का कोई बैरिकेडिंग नहीं है। लोग को कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि वहां से लोगों को ना प्रवेश करने दिया जाना चाहिए, न बाहर आने दिया चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बाजार का क्या स्थिति रहेगा? 10 तारीख से 16 तारीख तक का लॉकडाउन है, दुकान सभी बंद है, आदमी रोड पर चल ही रहा है, साइकिल पर, बाइक पर, किसी का मास्क नहीं लगा हुआ है, और क्या है। प्रशासन का जब प्रशासन आता है तो मास्क लगा देता है, अब प्रशासन नहीं रहता है तो मास्क नहीं लगाता है। वहीं दूसरी और राजद के नेता प्रदेश महासचिव प्रमोद यादव कहते हैं कि जिला में जो स्थिति है कि पर डे 50-60-70-80 के लगभग जो है पर डे जो है ना पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग का जो है मतलब जो 3 दिन हो गया लॉकडाउन होना, 3 दिन हो गया, लेकिन अभी भी लोग रोड पर चल रहे हैं, लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जहाँ तक दुकान भी खुला हुआ है, गाड़ी घोड़ा भी चल रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना है। प्रशासन, हमको तो लगता है, ऐसा लगता है कि हर घर में जो है ना पॉजिटिव है, मतलब अगर जांच ठीक से किया जाए तो प्रत्येक घर में निकलेगा, मतलब पॉजिटिव निकलेगा, और इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो 16 तक लॉकडाउन का जो मतलब व्यवस्था किया गया, 16 तक जो निश्चित रूप से इसको जो है ना मतलब कारगर होना चाहिए, लॉकडाउन का कारगर यदि होना चाहिए, नहीं तो फिर जो चैन सिस्टम जो है चैन सिस्टम कंटिन्यू चलते रहेगा, कि प्रशासन को इस पर जो है कड़ाई से निपटना चाहिए। इसके लिए हम तमाम पार्टी के लोग तैयार हैं कि नहीं, ये कोरोना को रोकने के लिए जिस भी स्तर तक जाना चाहे वो जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, सरकार का भी और प्रशासन का भी हम लोग समर्थन करेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि आईसीयू वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि एक पुरुष मरीज की मौत भी वार्ड में हो चुकी है, जिसका भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं वार्ड में 2 मरीजों की मौत होने को लेकर एहतियात के तौर पर आईसीयू वार्ड को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सोमवार को पूरे अस्पताल सैनिटाइज कराया गया है। कुछ लोग जो नीटर होकर घूमने लगे और जहाँ तहाँ भीड़ बनाने लगे, उसमें जो अनावश्यक रूप से एक दूसरे से मिले हैं, जो कुछ लोग संक्रमित हुए हैं, कुछ लोगों को बीमारियाँ पहले से थी और वो अपनी बीमारी के गंभीरता को समझे नहीं और भीड़ में चले गए, जिससे भी वो कालकल्पित हो गए। महिंदा देवी आईसीयू में पहले से भर्ती थी, उनको सांस का हार्ट की बीमारी थी और सांस का भी प्रॉब्लम था, इसीलिए उनका जांच भी कराया गया था, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने के पूर्व ही उनका डॉक्टर लोग में से और स्टाफ सब में से 3 आदमी अभी संक्रमित हुए हैं और सब लोग एहतियात से काम कर रहे हैं। अपना मुंगेर के लिए अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।